जय हिंद फ्रेंड्स मैं कैट आलोक कुमार आपके यूट्यूब चैनल एनसी सर्टिफिकेट एग्जाम्स ए में वेलकम है फ्रेंड्स आइए आज हम बात करेंगे पी, -पी के बारे में पिक्चर डिस्क्रिप्शन टेस्ट और बात करेंगे हाउ टू तो राइट पी एंड व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू डू एंड डोंट ओके एंड आइए फ्रेंड्स आज की सुबह एक नेट हॉट्स के साथ करते हैं आज का मैं नेटवर्ट्स है न सरकार मेरी है ना रोब मेरा है ना बड़ा सा नाम मेरा है मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है तो ये आज एक नेटवर्ट था तो देखते हैं पीपीडीटी क्या होता है कैसे लिखते हैं क्या क्या चीज होनी चाहिए क्या क्या चीजें नहीं लिखनी चाहिए बताता हूं पीपीडीटी एड ए वेरी पॉवरफुल टेस्ट एलिमेंट एंडरस्टेनमेंट बिलो दोर्ड फिल्टर स्किन कैंडिडेट हुआ फ्रेंड्स ये एक तरीका है इंडियन आर्मी का ठीक है आर्म फोर्सेस का ऑफिसियर लेवल्स के लिए ठीक है जिससे मतलब की भीड़ में से कुछ गिने चुने कैंडिडेट को चुना जा सके अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें होती है मैं बता दू आपको इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटेलिजेंट टेस्ट कैंडिडेट आर सो ऑन द सो सम वॉट हैजी पिक्चर्स यानी फ्रेंड्स आपको पहले ओ होता है ऑफिशियल इंटेलिजेंट टेस्ट होता है उसके बाद आपको एक हैजी पिक्चर दिखाई जाती है एंड आस्क टू राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन देयर प्रिस्क्रिप्स ऑफ द पिक्चर यानी आपको पिक्चर दिखाने के बाद उसके ऊपर एक स्टोरी बनाने के लिए कहा जाता है ठीक है द पिक्चर विल बी सोन फॉर थर्टी से राइटर्स स्टोरी और आपको चार मिनट मिलेगा स्टोरी लिखने के लिए हालांकि तीस सेकंड दिखाई जाती है लेकिन चार मिनट नहीं मिलता कह सकते देखते हैं देर फोर देर फोर कैंडिडेट्स आर मेड टू सीट एंड सेमी सर्कल फैशन एंडीन एंड आस्ट टू नरेट द स्टोरी वन बाय वन मतलब फ्रेंड्स आप जैसे आपकी स्टोरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी आपको एक ग्रुप बना दिया जाएगा पंद्रह से अट्ठारह बच्चों का जिसमें से आपको सबको एक एक करके बोला जाएगा आपकी स्टोरी डिस्क्राइब करिए नरेट करिए बेंगिंग आउट द वेरियस करेक्टर आइडेंटिफाइड पिक्चर एज जेंडर एंड मूड सिचुएशन रिसीव बाय द कैंडिडेट वट मस्ट लीड द सिचुएशन एंड लाइक आउटकम यानी फ्रेंड्स सबने अलग अलग स्टोरी बनाई होगी अलग अलग जेंडर लिखे होंगे ठीक अलग अलग मूड लिखा होगा उसके बावजूद फ्रेंड्स आपको एक कॉमन उस पर आना है कंडक्ट पर आना है सबको भी स्टोरी मिला के ठीक है कैंडिडेट आर गिवेन टू सिक्स टू नाइनटी सेकंड टू नरेट देर स्टोरी और अच्छा पर कैंडिडेट को साठ से नब्बे सेकंड मिलते हैं आपको स्टोरी नरेट करने के लिए आफ्टर ऑल कैंडिडेट्स हैव फिनिश नरेटिंग स्टोरी द ग्रुप इज एक्सपेक्टेड टू डिस्कशन अराइव अ कॉमन स्टोरी मतलब फ्रेंड्स जैसे आपका नरेशन खत्म होगा नरेटिव खत्म होगा वैसे ही आपके ग्रुप से एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप सभी अपने मतलब वो करेंगे डिस्कशन करेंगे और लास्ट में कॉमन स्टोरी पे पहुंचेंगे

स्ट्रेसफुल एक्टिविटी है देर आर फिफ्टीन टू एटीन कैंडिडेट प्रेजेंट एंड एडिशनल दे आर एस 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 सीटिंग इन फ्रंट मेनी कैंडिडेट्स फील नर्वस एंड फेल टू इवन आंसर अ वर्ड मतलब फ्रेंड्स ये बहुत मतलब थोड़ा बंदा उस समय व्यक्ति नर्वस हो जाता है ठीके? जब आप एस एसवी इंडू में बैठते हैं स्टोरी ने करने के लिए पंद्रह से अठारह बच्चों के ग्रुप में ठीक है और आपको सबको तीस तीस सेकंड या कह लो नब्बे सेकंड तक लास्ट होता है ठीक दिया जाता है उसमें फटाफट आदमी क्या हो जाता है उसमें हल्का नर्वस हो जाता है तो डोट भी नर्वस तो बी कॉन्फिडेंट okay? उसके अलावा देखते हैं टू बीट अ नर्वस कैंडेट प्रिपेयर सम स्टोरी डैट दे हैव रीड एस एस बी बुक्स एंड रेड इट इवन पिक्चर सोन अवर्स इंटायरली डिफरेंट दिस इज अर केस द फेलियर ऑफ सेंटिंग कंडीशन एंड स्टोरीज आर नॉट एक्सेप्टेबल यानी फ्रेंड्स कई सारे कैरेट्स ऐसे होते हैं जो एस एस बी बुक की बुक पढ़ के आते हैं उसी में से कुछ स्टोरी रट्टा मार लेते हैं ठीक है पिक्चर दिखाई कुछ और जाती है और कुछ और मतलब कि बुक की स्टोरी बोल देते हैं तो फ्रेंड्स ये उनका मतलब स्योरिटी है वही फेल है ट्स नरेट देर स्टोरी बट डो नॉट टेक पार्ट इन डिस्कशन एज दे अंडर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यानी फ्रेंड्स कुछ कैंडिडेस क्या होते हैं कि स्टोरी तो काफी अच्छा लिख लेते हैं लेकिन क्या कहते हैं जब स्टोरी नरेटन का टाइम आता है जब बताने का टाइम आता है उसमें फ्रेंड्स वो मतलब बता नहीं पाते ढंग से तो ये क्या है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कमी दिखाता है आपको सम कैंडिडेट्स ऑन अदर लैंड हैंड

सोशल एडजस्टमेंट एंड कंसर्न अदर्स वेव मतलब कि आपके दूसरे में घुलने मिलने की क्षमता और दूसरों की बातों की रखने की क्षमता ठीक है और एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप या ग्रुप के साथ चलने की क्षमता आपको देखी जाती है अब पीपीडीटी पिक्चर सिंपल स्टोरी गिवन आप लोग चले फ्रेंड्स ये तो हो गया पीपीडीटी के बारे में ठीक है अभी मैं अभी आऊंगा उसके बारे में एक पिक्चर आपको दिखाऊंगा ठीक है uh, कैसे हाउ टू राइट पीपीडीटी ओके बट उससे पहले मैं आपको अपने एक नोट्स दिखाता हूँ पर्सनल नोट्स ठीक है उसमें कुछ बताना चाहूंगा देखिए हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स पीपीडीटी देखिए कैसे लिखते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी देखिए सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रॉब्लम सोल्यूशन और कंक्लूजन पे आना है ठीक है तो अब यहां देखिए फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी कैसा होना चाहिए तो देखिए इंक्लूडिंग नेम प्लेस ऑक्यूपेशन एज स्टूडेंट एक्सप्रेशन मोर देन टू लाइन्स मतलब दो लाइन से ज्यादा आना चाहिए लाइक like, जैसे कि एग्जाम्पल बता रहा हूं अली वाज अंग बी एस सी ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी हु हैड गॉन टू हॉलीडे टू हिज विलेज तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको स्टार्टिंग करना है ठीक है उसका इसके देखते प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखिए स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्टोरी देखिए इंट्रक्शन द प्रॉब्लम इन द स्टोरी दिस शुड बी ऑल्सो थ्री टू टू थ्री लाइन ये जो प्रॉब्लम दिखाएंगे वो भी दो से तीन लाइन में होना चाहिए सजानी होना चाहिए ही हैड गॉन टू हिज ग्रैंड मादर्स विलेज देयर ही फाउंड आउट नी कंप्यूटर क्लास टीचर इन द स्कूल तो इसके आगे, आगे आप स्टोरी स्टार्ट कर सकते हैं प्रॉब्लम सोल्यूशन देखिए प्रॉब्लम सोल्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी मेक अराउंड एट टू टेन लाइन देखिए आप इसमें एट से टेन लाइन्स में लिख सकते हैं आप ठीक है लाइक इफ इट्स ऑर्गेनाइज अ कल्चरल इवेंट देन यू मस्ट राइट द फ्लोविंग ठीक है अगर आप कल्चर एक्टिविटी लिख रहे हैं तो उसके बारे में लिखना होगा आपको और कंक्लूजन के बारे में फ्रेंड देख लीजिए फाइनली यू हैव टू एंड द स्टोरी ऑन अ गुड नोट दिस इज कैन बी Of two line, जैसे कि लास्ट गेट कंप्लीटेड और द प्रॉब्लम गेट सोल्व और सबसे बढ़िया बताऊं फ्रेंड्स तो ये देखिए आप ये पिक्चर टेस्ट आपने इंट्रोडक्शन लिखा वन से दो लाइन में प्रॉब्लम लिखा दो से तीन लाइन में प्रॉब्लम सोल्यूशन लिखा तीन से पांच लाइन में और कंक्लूजन लिखा दो लाइन में आपका हो गया पीपीडीटी खत्म इतने भी लेकिन फ्रेंड्स आपको यही खत्म नहीं करना ठीक है और अच्छा नरेटिव में फ्रेंड देख लीजिए नरेशन कैसे करना ठीक है जैसे मान ला आपको कोई स्टोरी दिया आपको नरेटिक जाता है ठीक है तो नरेट कैसे करना हाउ टू नरेट गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स पिक्चर्स सोन्स एज टू अस आई हैव सीन फोर कैरेक्टर्स ऑल आर द मेल एज बिटवीन जो भी एज है उसमें डाल देना सिक्सटीन टू थर्टी फाइव एंड ऑल आर द इन पॉजिटिव मूड एंड एक्शन ऑफ द माई स्टोरी इज डैश डेट एस जो भी हो फ्रेंड्स आप बता सकते हैं ठीक है अच्छा uh, इसके अलावा फ्रेंड्स एक, एक पिक्चर देखते हैं ठीक है और एक एग्जाम्पल देखते हैं उसके बाद फिर आगे चलते हैं

राम एंड श्याम आर चाइल्ड हुयर बेसिस एजुकेशन डॉक्टर सर्जन राम और श्याम क्या थे बचपन के दोस्त थे ठीक है जिसमें से राम क्या होगा एक सर्जन डॉक्टर बन गया राम ऑन द अदर हैंड गो इन टू द कंपनी एंड बैड एलिमेंट एंड बिकम अंक सॉरी श्याम डॉक्टर बन गया और राम क्या होगा एक ड्रंक बन गया बिकॉज ऑफ हिज ड्रिंकिंग हैबिट हिज लीवर गॉट डैमेज एंड ही वॉज एडमिट इन द सेम हॉस्पिटल वे श्याम वॉज प्रैक्टिसिंग और राम का क्या हुआ किडनी खराब हो गई ज्यादा एल्कोहल पीने के कारण और वहां एडमिट था जहां सैम प्रैक्टिस डॉक्टर कर रहा था वट आई सॉ पिक्चर वॉज राम्स मदर्स एंड डॉक्टर श्याम डिस्कसिंग अबाउट द राम्स कंडीशन एंड हाउ टू क्योर हिम अ गेट हिम आउट ऑफ द ड्रिंकिंग हैबिट और दोनों क्या राम मतलब श्याम और राम की माँ बातें करते हैं कि उसे कैसे ठीक अच्छा से अच्छा जल्दी ठीक हो जाए और कैसे वो बुरी आदतों से बाहर आए राम इज एनकोसिटेट प्रैक्टिक्स मदर एंड लेटर परफॉर्म सर्जरी एंड क्यूर राम कंक्लिज रेगुलर एंड लिसनिंग दाइल्डहुड फ्रेंड्स एंड एडवाइजिंग राम क्वाइट हैबिट्स बिकम अ काउंसिलर एल्कोहलिक पेशेंट एंड श्याम्स हॉस्पिटल इट्स हेल्प यानी फ्रेंड्स राम ने और राम की मान उस पर काफी ध्यान दिया ठीक है और धीरे धीरे वो कवर होने लग गया दो यूजफुल सिटीजन ऑफ द सोसाइटी राम्स मदर फील्स वेरी हैप्पी अबाउट द चास्ट इन राम द वे बोथ फ्रेंड्स आर वर्किंग टूगेदर इन सोसाइटी और दोनों का आज के टाइम क्या बहुत खुश है और आज समाज को काफी नई दिशा दे रहे हैं अब देखिये फ्रेंड नो देखिए द अब स्टोरी हैज थ्री पार्ट द पास्ट राम वॉज राम वाम वॉक्टर द करेक्ट रिव्यूज राम ड्यू टू रॉन्ग डिस्ट बिकम ड्रंक्ट एंड पेरेंट्स वर ही हॉस्पिटलाइज हॉस्पिटल एंड मदर्स एक्सप्लेनिंग द कंडीशन राम्स द बेगिंग द चाइल्ड हुड फ्रेंड्स एंड द फ्यूचर राम्स बिकम्स अ गुड पर्सन एंड लाइफ हेल्प अदर द स्टोरी ऑलमोस्ट ऑल क्वालिटीज एंड प्रोजेक्ट थ्रू द कैरेक्टर ऑफ द श्याम एंड मैसेजिंग द रॉन्ग एंड आइडिया एंड फेलियर्स द वैल्यू फ्रेंड्स कुल मिला जुला के यहाँ पे क्या निकलता है ठीक है देखिए राम और श्याम कहते हैं बचपन के दोस्त थे जिसमें से क्या होता है राम एक डॉक्टर बन जाता है ठीक है पढ़ाई लिखाई करके और श्याम उसी हॉस्पिटल में भर्ती होता है जिस हॉस्पिटल में राम प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसकी माँ उसे लेकर बहुत चिंतित होती है राम uh, सॉरी श्याम और, और रा, 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 राम की माँ ठीक है आपस में बात कर रहे होते श्याम और राम श्याम राम की माँ से बात कर रहा होता है उसके बाद उसे ट्रीटमेंट करता है और उसे समझाता है जाता है और क्या करता है राम अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ता है और धीरे धीरे प्रिक्योर हो जाता है मतलब अच्छा हो जाता है तो फ्रेंड्स इसी ये होता है कि आपकी जो भी स्टोरी है उसकी एंडिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए ओके फ्रेंड्स तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू राइट पीपीडीटी ओके आज के लिए इतना इनफ है फ्रेंड्स अगर आपको कुछ समझ में ना आए कुछ लगे ऐसा होता तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज सकते हैं अच्छा देखिए फ्रेंड्स आपको इस तरीके का बनाना होता है जैसे कि सैम की माँ है तो हमने लिखा है फीमेल एज क्या सिक्सटी और मूड क्या नेगेटिव राम मेल है थर्टी फाइव है और मूल क्या नेगेटिव है और उसका दोस्त जो सैम है उसका एज कितना है मेल है थर्टी फाइव है और मूड क्या न्यूट्रल है इस तरह से लिखना है हमें एक चीज याद रखना सैम सैम का मतलब होता है सेक्स इज मूड ठीक है और